Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मैडम ने विश्वास दिला देता ना हमको, भाई आप ले आओ, आपका अच्छे से ऑपरेशन कर देंगे, ठीक ठाक कर देंगे, कोई चीज़ कमी नहीं आएगी, विश्वास हो गया था हमको। अब पहले भी तो दो बच्चियाँ जुड़वा हुई थी, माँ पे ही तो हुई थी। तो आपको मतलब क्या लगता है कि भरोसे पर वो खरी उतरी, मतलब उन्होंने प्रयास किया? प्रयास तो करते हैं वो, तो प्रयास तो किया होगा सर, ऐसी बात थोड़ी। अच्छा आज जब अरे सब को पूरा पता थोड़ी है सर, गलती उनकी है, हमारी है, किसकी है। सर मैंने यहाँ से लास्ट शॉट के लिए लेके गया था इसको, ले लास्ट शॉट ले जाने के बाद मैंने इसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। भर्ती कराने के बाद फिर उसको प्रीति श्रीवास्तव को दिखाया था। दिखाने के बाद ही वहाँ पे एक दिन के लिए एडमिट किया उन्होंने, रात को। भर्ती करने के बाद में फिर सुबह करीब 1 बजे समथिंग उसको वहाँ से रेफर करने के लिए बोल दिया, रेफर कर दिया वहाँ से। वहाँ से फिर दौसा ले गए उसको, दौसा ले जाने के बाद में वहाँ पे भर्ती कराया गया। फिर दौसा से 10-5 मिनट बाद में बोल दिया उन्होंने, फिर वहाँ से जयपुर के लिए ले गए महिला चिकित्सालय। वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ पर भर्ती कराया गया इसको। भर्ती कराने के बाद फिर वहाँ पर मेरे से बोला इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के साथ साथ आपको बच्चे भी बंद कराने पड़ेंगे। फिर इस चीज़ से मैं क्या घबरा गया था कि पहले से ऑलरेडी मेरे 3 बच्चियाँ थी, अब इसे पता थोड़ी था सर लड़का हो या लड़की हो, इसलिए मैं थोड़ा सा वो घबरा गया था। घबराने के बाद मैंने मेरे बीवी से पूछा, उससे सलाह ली भाई क्या करना है, तो वो भी घबरा गई, उसने मेरे से मना कर दिया। मना करने के बाद मैं फिर मैं अब क्या करें, फिर पहले उन्हें बोले पहले अपने ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे आनंद हॉस्पिटल में, मैडम जी से बात करो। फिर मैंने मैं अर्चना जी से बात की ने अब आनंद हॉस्पिटल से, तो मैडम ने मेरे से बोला कि ले आओ, अच्छे से आपकी डिलीवरी हो जाएगी यहाँ पे। भर्ती कराने के बाद में उसको जाँचें आँचें हुई, फिर उसके खून ऊन चंडेगा। दूसरे दिन खून चंडने के बाद में उनसे मेरे से बोला कि इसका करीब 8 बज रहे थे उसके, इसका ऑपरेशन होगा सर, ऑपरेशन के लिए बोला मेरे वो ऑपरेशन। फिर मैंने बोला था मैडम कर दो वो ऑपरेशन ही होगा, तो मैडम ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद में बच्चा हुआ हमारे, खुशी हो गई हमें। फिर एक अंदर बोल रहे थे कि ब्लड वो खून ऊन आ रहे हैं, ब्लडिंग हो रही है ऐसे। उसके बाद में फिर उसको अंदर 1-1.5 घंटे अंदर रखा उसको। फिर उसके बाद मेरे से डॉक्टर साहब आ के मिले, फिर उन्होंने बोला कहते इसका बच्चेदानी का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मैं कर दो, ऑपरेशन भी होगा तो ये भी कर दो। फिर वो भी करवा लिया, वो अब क्या पता किया नहीं किया वो तो मेरे को पता नहीं है। फिर उसके बाद में आके बेहोश बाहर आके पड़ गया था, बेहोश हो गया मतलब। आने के बाद में अब मेरे भैया थे वहाँ पे, मेरे को तो पता भी नहीं था। अब उनके सामने कैसे तो डेड बॉडी हुई थी, उसके बाद में कोई सहन भी नहीं कराया मन से, मैंने परमिशन ही भेज दिया। उन्होंने उनकी एम्बुलेंस थी बता रहे थे भैया। फिर मैं तो मेरे भैया गाड़ी में लेके आए थे मेरे को, तो आने के बाद मेरे को एक घंटे में होश आया था। उसके बाद मेरे को पता लगा कि बच्चा भी साथ में भेज दिया उन्होंने। भाई बच्चे का क्या कसूर था, बच्चे को क्यों भेजा? नहीं सर किसी का दबाव नहीं है हमारे ऊपर, हम किसी के खेने से नहीं ले गए, हम खुद ले के गए थे यहाँ से। ले भाई कोई आया था यहाँ पे? कोई नहीं आया था। ऐसा आपको लगता है कि किसी ने आपका इस्तेमाल कर लिया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को आप लोग पहले से जानते हैं या? नहीं सर मैं नहीं जानता उनको पहले। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.